मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के केसों को खत्म करने के लिए चौकस नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोगों को कोरोना बचाव के टीके लगाए जाएंगे। फिलहाल यह तो तय नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, लेकिन सरकार ने जरूर ये तैयारी कर ली है कि जब भी वैक्सीन उपलब्ध होगी तो सबसे पहले टीका किसे लगाया जाएगा। सबसे पहले प्रदेश के 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा, फिर 30 लाख सीनियर सिटीजन को टीके लगाए जाएंगे। एक दिन में करीब 70 लोगों को ये टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 1200 कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों के 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगाया जाएगा। इसके बाद राज्य के 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को बुलाकर टीका लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल इस श्रेणी के 30 लाख लोग शामिल हैं। कोरोना का टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से कैसे संभव होगा, इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने तैयार करके सरकार को भेज दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के टीकाकरण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। इसे लेकर देर शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें तय किया गया है कि स्वास्थ्य कर्मी स्कूलों में जाकर ही टीका लगाएंगे। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.